परम अवतार श्री कृष्ण। चाची, मैं ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को ले आया हूँ। यही है वो घर जहाँ देव की और वसुदेव की 8वीं संतान का सत्य छुपा हुआ है। अब जाओ और सबको बताओ कि कान्हा ने राधा का श्रृंगार किया। नंदरानी, हम ये भोज स्वीकार नहीं कर सकते। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्मश्री का नियम है, हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। अब भगवान कंस नहीं, उनके हाथ से छूटा ये तीर निर्णय करेगा कि कौन है कंस महल में वो वसुदेव का शुभचिंतक। हे ब्रह्मदेव, दक्षिणा ग्रहण कर आप मेरा ये अनुष्ठान पूर्ण करें। ब्रह्मदेव, तेरी कारण ब्रह्मदेव बिना दक्षिणा लिए चले गए। तो ले, अब मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी। अरे भैया, मेरी बात तो सुनो भैया। भैया सभी के सभी बच गए। इसका क्या अर्थ हुआ आपने लव? भगवान, आपका लक्ष्य कभी चूक नहीं सकता है। हाँ, भगवान का लक्ष्य कभी नहीं चूकता। सब के सब बच गए, इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें से कोई भी अपराधी नहीं है। ये सब भगवान कंस के परम भक्त हैं। तो मेरे सच्चे भक्तों, आप सभी भगवान कंस की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाइए, जाकर भगवान कंस की भक्ति कीजिए, जाइए। भगवान कंस की जय। भगवान कंस की जय। भगवान कंस की जय। भगवान कंस की जय। आशीर्वाद, भगवान कंस का आशीर्वाद। सब समस्या दक्षिणा के कारण हुई है। ना रहेगी दक्षिणा, ना रहेगा मैया का क्रोध। अब ये दक्षिणा मुझे ब्रह्मदेव को देकर आनी होगी। अरे ये गोपी, हमारे बाबू के पास 1 लाख गया है और हमसे कुछ छुप नहीं सकता। दादा, मैं छुप नहीं रहा था, मैं तो ये मटकी ढूंढ रहा था। हम राधा हैं, हम सब कुछ जानते हैं। और वैसे तो हम सोचते नहीं, किंतु तब भी हमने यह सोच लिया कि हम बरसाना से गोकुल क्यों आए हैं। क्यों? तुमने केवल हमारे साथ ही नहीं, पूरे बरसाना के साथ छल किया है। छल? कैसा छल गोपी? कोई एक छल हो तो हम कहें। बरसाना में सब कहते हैं कान्हा प्यारा है, कान्हा भोला है, कान्हा मनमोहक है, कान्हा सबका लाला है। किंतु यहाँ अगर हमें पता चला कि कान्हा कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो तो ऐसा है जैसे हमारे सामने खड़ा है। ये नच्चड़ी गोपी भी ना क्या क्या सोचती रहती है। पर मुझे यह सोचना है कि इसके 1 लाख बेयों के बीच से निकलूं कैसे। हे घट घट वासी अविनाशी, रिपुसूदन महाबल राशि, करुणा निधि प्रभु अंतर्यामी भगवान कंस, आप सब जानते हैं, कुछ तो बोले। नारायण नारायण रटने वाला, नारायण का परम शत्रु
वो ब्रह्म राक्षस श्रीधर जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो नारायण के दूत को ढूंढ लेगा, किंतु जो गोकुल जाता है गोकुल का होकर रह जाता है। ये आपकी कैसी माया है भगवान कंस? भगवान, भगवान कंस, भगवान कंस, भगवान प्राप्ति। आज कौन सा शुभ समाचार लाई? तुम यहाँ? महाराज, महाराज चिल्लाते हुए तो प्राप्ति आती है, तो मुझे लगा कि वो जाने दो। ऐसा कौन सा शुभ समाचार तुम्हारे भीतर फड़फड़ा रहा है जिसके कारण पृथ्वी पर तुम्हारे पांव नहीं टिक रहे? बोलो, बोलो, बोलो। कोई अंतिम इच्छा? भगवान कंस की विधवा पत्नी, कोई अंतिम इच्छा? तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तेरा सारा सत्य ब्रह्मश्री स्वयं ही जान लेगा। नारायण, नारायण। ब्राह्मण देव, लीजिए आपकी दक्षिणा। नारायण। जब भी कोई हंसता खिलखिलाता आदमी इस दुनिया से टे बोलने वाला हो तो दुख तो होता ही है। कौन है भाई वो? आप ही हो। व्हाट? जिंदगी कैसी है बहेली? हाय दिया, आज हमसे उर्दू में बात नहीं करेंगे का? कभी तो हंसाए। मंगू, विद्वान जी आज अपनी बेटी का तर्पण करते। हमारी तुम्हारी लाख दूरी सही, लेकिन तुम भी एक लड़की हो ना, दूसरी लड़की की इज्जत का तमाशा बनाते हुए तुम्हें जरा से भी तकलीफ नहीं? वेल डन रागिनी सिंह, हम अभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं। अगर अभी हम तुम्हें सच्चाई बता देंगे ना तो तुम्हें ऊना हमारी सफाई लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। सभी ने तुम्हें आउट हाउस पे बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है उसको। चल मिल लो। आज तुम्हारी वजह से वो रणवीर मित्तल मेरे बेटे का बाप बना बैठा है। मेरा बेटा, मेरा खून उसे पापा बुला रहे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाने चाहिए, पिछली बार की तरह कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। सुम्मी, डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाएंगे ना जान? साइन हो जाएंगे ना? उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। पता नहीं मैं मीरा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। पता नहीं मीरा की आंखों में प्यार मेरे लिए था या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। वैसे अब जो भी तुम करना चाहती हो करो ना, क्या फर्क पड़ता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होने वाला है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आई कांट बिलीव कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। And I can't believe कि तुम मुझसे चीजें छुपा रहे। इसका मतलब लाका अलावत ने ड्रग का प्रयोग किया है। कुछ तो गड़बड़ से, ऐसा कैसे हो सकता है? नो भाइयों, हरियाणा के आयरन मैन बनने के नशे में लाखा ने सारी हदें पार कर दी। आज की ब्रेकिंग न्यूज कि लाखा सिंह अहलावत 2016 के आयरन मैन विजेता, इनके प्रतिबंधित ड्रग्स लेने की शंका है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि चरण सिंह टोकस हरियाणा स्पोर्ट कमेटी के चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं। ये हमने फूल तोड़े हैं केवल आपके लिए। पर किस लिए प्रभु? आज आपने जो किया ना वो हर कोई नहीं कर सकता। सत्य कहें तो हम आपको बहुत ही सीधा साधा समझते थे,
किंतु आज जो आपका अवतार देखने को मिला है हमें, बाप रे, उसी अवतार के लिए आपके लिए फूल लाए। ये तो वही सारी बातें कर रहा था जो थोड़ी देर पहले हमसे धैर्य सर कर रहे थे। राज और प्रीत के बीच दरार लाने में क्या होंगे चंदर और मोहिनी कामयाब? किस बात की दोस्ती का दम भरता है? मैं भी थी उस कमरे में, लेकिन तू लौट कर भी नहीं आया मेरे पास। तुझे तो सिर्फ साक्षी की पड़ी थी, प्यार करता उससे। यही सच है, मुझे अकेला छोड़ दे और जा यहाँ से। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, अब आएगा खेल में मजा। राज और प्रीत के रिश्ते को तो अब ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। या चंदर को हराने के लिए फिर साथ आ पाएंगे प्रीत और राज? जानने के लिए देखिए वार।